पुलाड़ यात्रा। रब दी बनाई सृष्टि बड़ी अजीब है। उस परमात्मा ने आसमान, चन्न, तारे, सूरज, धरती, पाताल आदि दी रचना करके सब नू हैरान कीता है। मनुख जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसने अपनी सोच नाल अनेका नमिया नमिया खोजा कीतिया हन। ओ चन्न ते पुज गया है, ते कई होर ग्रहां दी भी छानबीन कीती है। इस पाठ तो पुलाड़ बारे होर जानकारी प्राप्त करदे हां। रात दी रोटी खा के अप्पू छत उपर चढ़ गया। उसदे माता पिता ने उसनु समझाया सी कि खाना खान तो बाद थोड़ी देर जरूर सैर करनी चाहिदी है। इस नाल रोटी छेती हजम हुंदी है। अप्पू दे पिता जी भी छत उपर ही टहल रहे सन। आकाश विच चमकदे चन अते सितारियां नू वेख के अप्पू सोची पै गया। कुछ देर बाद पिता जी कोलों पुछन लगा, पिता जी, चन धरती दा उपग्रह है ना? मैं अपनी विज्ञान दी किताब विच पढ़िया सी। हां पुत्र, की तेनू पता है ग्रह अते उपग्रह की हुंदे हन? नहीं। अप्पू ने सिर हिलाउंदिया कहा, पुत्र, ग्रह ओ गोलाकार पिंड हुंदे हन जो लगातार सूरज द्वाले चक्कर लगाउंदे रहंदे हन। साडी धरती भी एक ग्रह है। इन्हां ग्रहां द्वाले घूमण वाले पिंड उपग्रह अखवाउंदे हन। चन्न धरती द्वाले घूमदा है, इसलिए ये धरती दा उपग्रह है। पिता जी, भला ये उपग्रह किन्नी प्रकार दे हुंदे हन? उपग्रह दो प्रकार दे हुंदे हन, कुदरती अते बनावटी। चन्न धरती दा एक कुदरती उपग्रह है। बनावटी उपग्रह ओ चट्टानी पिंड हन जिहड़े विज्ञानियां ने धरती जां होर ग्रहां द्वाले छड्डे हन। पिता जी, ए बनावटी उपग्रह किवें छड्डे जांदे हन? पुत्र, ए राकटां राहीं छड्डे जांदे हन। राकट की हुंदा है? अप्पू, तू दिवाली नू कदे हवाई ता चलाई होनी है। ए राकट बस उसे वर्गा एक विमान हुंदा है। उपग्रह नू राकट राही आकाश विच किवें छड्डिया जांदा है? अप्पू सोच रहा सी। पिता जी ने उसनू समझाया, राकट नू चलाउन वास्ते खास किस्म दे बालू